रिस्पेक्टेड टीचर्स, दिस इज द एपिसोड जिसमें हम आपको स्टूडियो टूर करवाएंगे. तो हमारे स्टूडियो में क्या क्या चीजें हैं, हमने किस तरीके से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, ये हम आपको बताएंगे. वैसे तो हमारा पूरा ऑफिस टूर्स जो है आप लोगों ने देख चुका है, हम लोगों ने बना लिया था वो, बट दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द स्टूडियो. तो अगर आपको हर एक चीज के बारे में सोचना है, वो सब हम अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, कैमरा सेटिंग्स और बाकी नेसेसरी चीजें जो आपके पास होनी चाहिए. नाउ हाउ टू मेक अ लुक ऑफ अ स्टूडियो जो कि आप अपने रूम में कर सकते हैं, राइट, जिसमें भी आप अपना स्टूडियो प्रिपेयर करना चाहते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लेट्स गो. स्टूडियो, ठीक है, ये एक काफी अमेजिंग स्टूडियो है. हमने सब कुछ यहाँ पे प्लान किया हुआ है. जैसे ये है हमारा सेटिंग एरिया, यू कैन सी हियर, यू कैन रिलैक्स अ बिट, यू कैन मेक योर शेड्यूल्स एक्सेट्रा 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 एज यू ऑल नो. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द कैमरा. ठीक है, नाउ एज यू कैन सी हियर कि ये जो कैमरा है ये हमारे सीट के करीबन 7 to 8 feet दूर है. ठीक है, तो इट इज इनफ स्पेस जब आप मूव भी कर सकते हैं एक्सप्लेन करते हुए. ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एंड जो वीडियो कैप्चर होगा वो भी बहुत अच्छे से होगा. क्लोजअप में पूरा स्क्रीन कवर अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, एंड एज यू कैन सी हियर कि ये जो स्क्रीन है हम इसको पूरा तरीके से टीच कर सकते हैं. बहुत ही अमेजिंग स्क्रीन है, हमारा पूरा का पूरा स्लाइड शो यहाँ पर चलता है, राइट. सो दिस इज ऑल गुड. ठीक है, नेक्स्ट कम्स द थिंग विच इज द बुक. Why the board in the studio? Because आपकी जो upcoming schedules हैं वो सारे के सारे schedules आप यहाँ पर लिख सकते हैं. कब आपकी कौन सी क्लास आने वाली है, आपका पूरा proper plan जो आप अपने पूरे कोर्स में डिजाइन करना चाहते हैं आप वो अपने बोर्ड पे लिख सकते हैं. तो दैट वुड बी हैंडी टू यू. ठीक है, आते ही एंट्री करते हैं आपको आपका डेली टास्क पता चल जाएगा और दी यू नो कि कहाँ तक लेक्चर हो चुके हैं, कहाँ तक नहीं, सब कुछ आपको डिटेल में पता चल जाएगा. Now the next thing is the handling of the whole videos. Like you need to have a camera or a PC. So here's the setup of our technical expert, right? Akash Sharma sir ka pura setup hai ye. Unka jo hai computer, yahan se hum log jo videos hai unko upload karte hain. Theek hai, and this is the streamer jo ki camera se hi connected hai. So yahan pe wiring ka bhi issue nahi hai. Aap easily move kar sakte ho like this, right? तो वायरिंग का भी कोई इशू नहीं होगा बिकॉज कनेक्शन में बहुत सारे वायर्स यूज होते हैं, राइट. तो ये बिल्कुल एक सेपरेट एरिया में है, बीच में अड़चन नहीं डालेंगे. ये हमारा मेन मोटो है इस पूरे सेटअप को करने के लिए, राइट. सो दिस इज द थिंग अबाउट ऑल द थिंग जो हमारा पूरा स्टूडियो. एंड रिमेंबर द लाइटिंग हियर, एज यू कैन सी वी हैव द 9 lights, दैट इज प्रॉपर लाइटिंग हो. ठीक है, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज जो आपको पता चल रही होगी, दिस इज द पेपर जो हम लोगों ने लगाया हुआ है, ब्लैक पेपर. ये इसलिए लगाए गए हैं बिकॉज व्हेनेवर यू यूज डार्क कलर्ड स्लाइड्स ऑन योर प्रेजेंटेशन, तो डार्क कलर्ड स्लाइड्स में क्या होता है कि इस कैमरे का रिफ्लेक्शन आता है. ठीक है, और वो भी डेफिनेटली हम वो नहीं चाहते. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीछे की व्हाइट दीवार को हमने ब्लैक पेपर से कवर अप कर दिया. अब कैमरे का रिफ्लेक्शन आपकी डार्क कलर की स्लाइड्स में नहीं आता, तो इट विल बी अ हैंडी सॉल्यूशन फॉर दैट, राइट. And make sure that you are making this room a soundproof because बाहर की बहुत आवाजें videos में आती हैं and उसके लिए आप अच्छा proper mic भी use कर सकते हैं और आप sound recording का system भी करवा सकते हैं जो कि basically काफी अच्छे amount में और काफी quality sound को record करते हैं, right. तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख सकते हैं. ठीक है, so this was the tour of our studio जो कि हमारा old studio है. हमने काफी सारी चीजों का ध्यान रखा है, जहां तक हम सोच पाए वहां तक रखा है. ठीक है, so we are still in the learning phase and thank you so much for watching the video.